वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने को हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल बेस है कि जिसके जो अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आप लोगों के लिए आगे एक सी प्रोग्राम्स बनाना आसान होगा। ये स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम का मतलब क्या है कि आपने जब एक सी प्रोग्राम डेवलप करना है तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखनी है, राइट, कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर आएगी, ये सारा कुछ आप यहाँ पर सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर। कि एक सी का प्रोग्राम डेवलप करते हुए आप लोगों ने कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखनी है, राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पर, ये एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को समझाने के लिए दूंगा कि जब आप लोग इंग्लिश में एक एप्लीकेशन लिखते हैं, राइट, कि आपने स्कूल से लीव की एप्लीकेशन लिखनी है या आप लोग बीमार हैं उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है, तो जो आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। पैटर्न का मतलब क्या कि सबसे ऊपर क्या आता है, सबसे पहले ऊपर एड्रेस आता है या नाम आता है, ठीक है, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर आपने बॉडी ऑफ द लेटर बनाना होता है, नीचे फिर योर सन्सियरली या ओबीडियंटली, ये तो ये एक प्रॉपर पैटर्न होता है जिसको आपने फॉलो करके एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। और जब आप लोग एग्ज़ाम्स में वही एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं और फिर क्या होता है कि आप लोग उसमें कोई गलती कर दें तो टीचर उसको अंडरलाइन करती हैं और मार्क्स डिडक्ट करती हैं। ये तो स्कूल के हवाले से एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, लेकिन जब आप एक सी की बात करेंगे तो सी का प्रोग्राम बनाते हुए भी आपने इसी तरह से एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना होता है कि सबसे ऊपर क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, आपने उसको उसी सीक्वेंस में लिखना है। अगर आप चीज़ों को उनके उसी सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे तो फिर जो कंपाइलर है जिसने आपके प्रोग्राम को कंपाइल करना है, कन्वर्ट करना है, उसको रन करना है, वो उसको इनकरेक्ट करेगा और आपका प्रोग्राम जो है वो आगे चलेगा ही नहीं, राइट, वो कंपाइल ही नहीं होगा, वो कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो आपने उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम जस्ट उस फॉर्मेट को देखेंगे कि वो फॉर्मेट क्या है। तो जब आप एक सी प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो सबसे पहले जो आप लोग चीज़ लिखते हो दैट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखते हैं। क्या है ये? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। सबसे पहले आप लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखते हैं। अब ये होते क्या हैं? ये एक नाम है, राइट, एक टाइटल है कि ये एक स्पेसिफिक चीज़ है जो आप लोग लिखते हैं, लेकिन ये होते क्या हैं ये हम बाद में इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं क्या हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि जो आप लोगों ने जो फाइलें यूज़ की थी, कौन सी, stdio.h, conio.h, math.h, ये जो फाइलें यूज़ की थी ये बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक सी का प्रोग्राम लिखते हुए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद आपका मेन का फंक्शन लिखा जाता है, मेन फंक्शन, राइट, ये लिखा रहता है। अब ये मेन फंक्शन क्या होता है ये भी हम लोग बाद में देखेंगे इसी लेक्चर के अंदर कि मेन फंक्शन क्या होता है। हम यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मेट क्या बनेगा, कि आप लोग जब एक कंप्यूटर का प्रोग्राम सी के अंदर डेवलप करेंगे तो फिर उस वक्त सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले क्या बनाना है, उसके बाद क्या बनाना है, राइट, इन सब चीज़ों को आप लोगों ने किस किस तरह से देखना है, इसके बारे में आप लोग इसको देखेंगे। ऑलराइट, तो मेन फंक्शन थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम सी के अंदर कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम या कोई और चीज़ सॉल्व करना चाहते हैं तो हम उसके लिए फंक्शंस क्रिएट करते हैं। वो फंक्शंस जो हम खुद से क्रिएट करते हैं और कुछ फंक्शंस सी के अंदर बने बनाए होते हैं, ठीक है, जो बने बनाए होते हैं हमने उनको यूज़ करना होता है, और जो हम खुद से क्रिएट करते हैं उनको भी हमने अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करना होता है। फ़र्क ये है कि यूज़र प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है जिन फंक्शंस को, हम उनको यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं, और जिन जो फंक्शन सी के अंदर बने बनाए होते हैं उनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट, जो जब भी हम एक प्रोग्राम लिखेंगे तो हमने मेन फंक्शन जो है इट विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर हम मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हर एक प्रोग्राम का हिस्सा होगा, ठीक है,
वो हमने यहाँ पर लिखना होगा। जब मेन फंक्शन लिखते हैं तो मेन फंक्शन स्टार्ट होता है एक कर्ल ब्रैकेट से लाइक दिस। दिस वन शोज़ कि आपकी ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट है कि आपका मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। उसके बाद इसके अंदर आप लोग क्या लिखते हैं, इसके अंदर आप लोकल वेरिएबल जो हैं वो डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर मीन्स कि आप उनको बताते हैं कि ज़ाहरा आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने बात की थी कि आपने कोई भी जब डेटा देना होता है एक प्रोग्राम के अंदर, कोई नंबर देने हैं या कुछ कुछ भी डेटा, कोई नाम किसी का देना है, तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, आपको वेरिएबल्स यूज़ करने होते हैं। आप अपने डेटा को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाते हैं, ठीक है। तो आपने अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, आपने उनको यूज़ करने से पहले मेन फंक्शन के अंदर इस कर्ल ब्रैकेट के फ़ौरन बाद उन वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है, उनको डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर करने का मतलब कि आप अपने अपने जो कंपाइलर है उसको बता रहे हैं कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर ये वेरिएबल्स जो आप यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं आपने यूज़ करने हैं, राइट। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आप लोग अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स वो लिखते हैं, ठीक है। आप अपने प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं अपने उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, उसके जितने भी आप उसका जो आप अपने प्रोग्राम का जो टारगेट है कि आप लोग प्रोग्राम इस चीज़ के लिए बना रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट्स आप लोग लिखते हैं, राइट। तो जब आपने स्टेटमेंट्स लिख ली, एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती हैं, राइट, तो फिर आपने मेन फंक्शन को क्लोज़ करना होता है एंड यू हैव टू पुट आ क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग कर्ल ब्रैकेट एट द एंड ऑफ द लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद आपने उसको क्लोज़ करना होता है, राइट। तो दिस इज़ योर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर पहला काम क्या है कि आप लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, दूसरा काम क्या है कि आप उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और ये जितना भी पोर्शन है ये वाला सारा जो है जिसके अंदर आप वेरिएबल्स बना रहे हैं और आप स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन को हमेशा यहाँ पर ब्रैकेट्स लगी होती हैं। आप लोग जब प्रैक्टिकली करना शुरू करेंगे फिर आप लोगों को समझ आएगी कि जो राउंड ब्रैकेट्स हैं ये वाली, ये यूज़ करते हैं फंक्शंस के लिए। तो मेन फंक्शन में भी हम इसको यूज़ करेंगे, आप लोग आगे देखेंगे इसको। तो यहाँ तक हो गया आपका प्रोग्राम, राइट। अगर तो ये आपने फंक्शंस वो यूज़ किए हैं जो कि सी का हिस्सा है, सी के अंदर बने बनाए हैं, यूज़र अपनी मर्ज़ी से भी कुछ फंक्शंस क्रिएट करता है, ठीक है, तो जो वो अपनी मर्ज़ी से अपने प्रोग्राम को आसान करने के लिए अगर यूज़र ने कोई फंक्शंस क्रिएट किए हैं तो वो कहाँ पे लिखे जाते हैं, आफ्टर दिस मेन फंक्शन के बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हैं वो लिखे जाते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस मेन फंक्शन के बाद लिखे जाते हैं, राइट। आप यहाँ पर जितने मर्जी फंक्शंस लिख सकते हैं, फंक्शन वन, फंक्शन टू, मीन्स टू से कि आप लोग अगर यूज़र ने अपने पास से कोई फंक्शंस क्रिएट करने हैं, बनाने हैं, तो वो फंक्शंस जो हैं वो मेन फंक्शन के बाद बनाए जाते हैं। आप इनको यूज़ इस मेन के अंदर ही करेंगे लेकिन बनाएंगे उसको आप बाहर, राइट। इसके बारे में हम तफसील से आगे पढ़ेंगे, राइट। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम कि सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद मेन फंक्शन लिखा जाता है, और उसके अंदर फिर ये कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है मेन फंक्शन, ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट, इनके दरमियान में आपका बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन होता है जिसमें आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं और फिर आप लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अगर यूज़र ने अपने कोई फंक्शंस क्रिएट करने हैं, दिस विल बी रिटर्न आफ्टर द मेन फंक्शन। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। और स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे और साथ साथ में हम देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात की तो स्ट्रक्चर में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या हैं, राइट।
साथ में हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले भी हम देखेंगे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या हैं। तो ये हमने देखा था, पहले भी पढ़ा था, द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर इंस्ट्रक्शंस फॉर द सी कंपाइलर। जो कंपाइलर है ये बेसिकली उनके लिए हैं, राइट। आपने जब अपने प्रोग्राम के अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को इंक्लूड करना है तो उसको इंक्लूड करने का एक प्रॉपर मेथड है, राइट। हमारे पास जब सी की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, राइट। तो हमने बेसिकली आपके इस सिलेबस के मुताबिक हम लोगों ने सिर्फ एक ही यूज़ करना है, उसको हम देखेंगे कि वो क्या है, राइट। तो जो बेसिकली हमने देखा कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्ट पर आते हैं, राइट। कहाँ पर आते हैं? बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्ट पर। जब आप एक प्रोग्राम लिख लेते हैं सी के अंदर, तो जब आप लोग उसको कंपाइल करते हो तो फिर क्या होता है? बेसिकली जब आप कंपाइल करते हैं तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैं वो रन होते हैं। जो प्रोसेसर है, जो कंपाइलर है, वो जो आपके प्रोग्राम में यूज़ हुए हुए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं उनको कैरी आउट करता है, उनको रन करता है। तो जो आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं दे स्टार्ट विद नंबर साइन। ये जो नंबर साइन है ये इससे स्टार्ट होते हैं, राइट। और इसके बाद जो वर्ड यूज़ होता है, यहाँ पर मैंने कहा दो टाइप्स के, तो एक वर्ड यूज़ होता है इंक्लूड और एक वर्ड यूज़ होता है डिफाइन। आप लोगों ने इंक्लूड यूज़ करना है अपने सिलेबस के मुताबिक, आप लोगों ने डिफाइन को यूज़ नहीं करना। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं वो दो तरह के हैं, ठीक है। एंड दे स्टार्ट विद दिस नंबर साइन, और उनके बाद जो वर्ड यूज़ होता है, वन वर्ड इज़ इंक्लूड और उसके बाद जो दूसरा वर्ड है वो डिफाइन का वर्ड है। अब इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का सिंटेक्स क्या होता है कि आप लोग जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले नंबर साइन, देन इंक्लूड का वर्ड, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, राइट। ये लेस देन वाला साइन और ग्रेटर देन वाला साइन, ये वाला यूज़ होते हैं। तो ये पहले, फिर ये लेस देन साइन, और फिर आप यहाँ पर हेडर फाइल लिखते हैं, और फिर ये ग्रेटर देन साइन, राइट। नंबर साइन इंक्लूड का वर्ड, और फिर ये वाली लेस देन का साइन, और फिर हेडर फाइल, और फिर दिस ये वाला ग्रेटर देन का साइन, ये यूज़ करते हैं। अब होगा बेसिकली क्या कि जब आप लोग अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो कंपाइलर जो है वो आपके जो प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स के अंदर जो हेडर फाइल्स हैं उन में से कोड को उठाकर आपके सोर्स कोड में शामिल कर देगा, राइट। उसमें से आपके जो आपका सोर्स कोड है, सो जो आपकी हेडर फाइल्स हैं वहाँ से कोड को उठाकर, ये आपका सोर्स कोड है एक प्रोग्राम का, इस प्रोग्राम के सोर्स कोड के अंदर उसको इंक्लूड करेगा और फिर उसको कंपाइल करेगा। इसका काम बेसिकली ये होता है। अब आप लोगों को पता है कि हेडर फाइल्स कौन कौन सी हैं, राइट। ये आप लोगों को पता है, हेडर फाइल्स आपकी stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h है, con.io.h है, math.h, ये आपकी हेडर फाइल्स हैं। जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पर आपको थोड़ा सा गौर से सुनने वाली और देखने वाली बात है, जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर कोई स्टैंडर्ड फंक्शन, इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज़ किया है, सपोज़ ये आपका प्रिंट एफ एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है जो कि स्क्रीन के ऊपर आपके रिजल्ट्स को शो करता है, तो यहाँ पर ये इसके रिजल्ट्स को शो कर रहा है, राइट। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जब आपने ज़ाहिर है कि इसको, इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन को यूज़ करना है, तो ये फंक्शन किस की प्रेजेंस, कौन सी हेडर फाइल की प्रेजेंस में काम करता है? ये stdio.h जो आपकी हेडर फाइल है इसकी प्रेजेंस में काम करता है। तो जब आपने इसको यूज़ करना अपने प्रोग्राम के अंदर, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में आपने उस हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। अब बेसिकली होगा क्या कि इस फंक्शन के काम करने के लिए इस हेडर फाइल में से इस फंक्शन का जो सारा का सारा कोड है वो इस प्रोग्राम के अंदर, इस सोर्स प्रोग्राम के अंदर वो इंक्लूड कर देगा। फिर आपका ये फंक्शन जो है, प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो काम करेगा। अगर आपने फंक्शन तो यूज़ कर लिया, टाइप कर लिया, राइट,
और आपने अपने प्रोग्राम के अंदर इसकी जो हेडर फाइल है जिसकी प्रेजेंस में ये फंक्शन काम करता है, ये फंक्शन काम करता है stdio.h हेडर फाइल की प्रेजेंस में, आपने ये फंक्शन तो टाइप कर दिया लेकिन आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में ये फंक्शन इंक्लूड नहीं किया, तो ये फंक्शन आपका काम नहीं करेगा। आपका जो कंपाइलर है आपको एरर मैसेज देगा कि इस फंक्शन के लिए हेडर फाइल इंक्लूड नहीं है, आप उसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में इंक्लूड करें। राइट, तो इंक्लूड करना कैसे है ये आप लोगों को पता है कि आप नंबर साइन लिखेंगे, इंक्लूड लिखेंगे और फिर लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल्स के दरमियान में आप उस हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। राइट, अब ये जो प्रिंट एफ का फंक्शन है, फिर हमारे पास एक और स्कैन एफ का फंक्शन है, ये जो हैं ये इस हेडर फाइल की प्रेजेंस में काम करते हैं। राइट, तो अब हम बात करते हैं मेन फंक्शन की कि मेन फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर मेन फंक्शन जो है वो क्या है, इस प्रोग्राम में देखें तो ये देखें मैंने ऊपर ये तीन हेडर फाइल्स इंक्लूड किए हैं, ये तीनों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली आप जो क्या करते हैं आप अपने फंक्शन के मुताबिक, यहाँ पर आपने फंक्शन ये वाला यूज़ किया है प्रिंट एफ फंक्शन जो कि एक आउटपुट फंक्शन है, तो इस फंक्शन के लिए हेडर फाइल ये वाली है ये इंक्लूड हो, ये दोनों नहीं भी होंगी तो भी ये प्रोग्राम रन करेगा। लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पर तीनों शो की हैं इसलिए कि आप लोगों को पता हो कि जब आपने सी प्रोग्राम्स बनाने हैं तो आपके सिलेबस के मुताबिक ये तीन ही हेडर फाइल्स हैं जो आप लोगों ने यूज़ करनी है। जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर मैथ डॉट आप अपने प्रोग्राम के अंदर कोई मैथ का फंक्शन यूज़ करेंगे तो फिर आपकी ये हेडर फाइल ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में इंक्लूड हुई होनी चाहिए, तब वो आपका मैथ का फंक्शन काम करेगा। ठीक है, और कीप वन थिंग इन माइंड कि ये प्रोग्राम तो मैंने अभी यहाँ पर ऐसे ही बना दिया है, लिख दिया है, टाइप कर दिया है, लेकिन वैसे ही लिख दिया है, लेकिन जब हम आगे चलते जाएंगे और प्रोग्राम बनाने की जब बारी आएगी तो फिर हम लोग सी के अंदर जब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस मिलेंगी आप लोग सी के अंदर बाकायदा प्रोग्रामिंग देखेंगे कि कैसे काम करना है, सी का सारा इन्वायरमेंट आप लोग देखेंगे। ठीक है, फिर उस पर आप लोगों को लेक्चर्स मिला करेंगे, सी पे काम करते हुए आप लोगों को लेक्चर्स मिला करेंगे यूट्यूब के ऊपर, ये तो अभी सिर्फ समझाने की बात है। राइट, तो ये आप लोगों का हेडर फाइल्स का था और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का था। तो यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने सबसे ऊपर क्या डिफ़ाइन किए हुए हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स डिफ़ाइन किए हैं, उसके बाद आपका मेन का फंक्शन। तो मेन फंक्शन क्या है, जब आप सी में प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आप लोग फंक्शंस में काम कर रहे होते हैं, यू हैव टू यूज़ वन और मोर फंक्शंस, अ फंक्शन परफॉर्म्स अ सिंगल वेल डिफाइंड टास्क, कोई एक काम परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है मेन फंक्शन ये काम परफॉर्म करने के लिए है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, उन वेरिएबल्स को वैल्यूज़ दी हैं और फिर यहाँ पर हमने इस वाले इंस्ट्रक्शन में उन वेरिएबल्स को ऐड किया है। यहाँ पर ये दोनों ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, ये ऐड अप होकर सी को असाइन हो जाएंगे और फिर हमने प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन के ज़रिए से सी की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये आप लोगों को समझ नहीं आएगा लेकिन बेसिकली इसको लिखने का मकसद आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जो है वो बताना है कि जब आप सी प्रोग्राम बनाएंगे तो आपने किस तरह से स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो मेन फंक्शन जो आपका जो भी प्रोग्राम्स होंगे ये मेन फंक्शन हमेशा उसका हिस्सा होगा। ठीक है, ये किस तरह से लिखा जाता है आप लोगों ने देख लिया है कि हम void का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फिर स्पेस, फिर मेन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर फिर void का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। पहले void का मतलब क्या है, पहले void का मतलब है कि ये जो फंक्शन है, अब बेसिकली जितने भी फंक्शंस होते हैं वो वैल्यूज़ को, एक वैल्यू आप उसको इनपुट करते हो, वो उसको प्रोसेस करता है और फिर उसकी जो आंसर आता है उसको रिटर्न करता है। राइट, तो void का क्या मतलब है यहाँ पर कि ये जो मेन फंक्शन है ये कोई वैल्यू इनपुट नहीं ले रहा, इसको कोई भी आप इनपुट नहीं दे रहे। द वर्ड void बिफोर द मेन फंक्शन मीन्स दैट दिस फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, कि ये आपको जब ये सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा तो ये मेन फंक्शन जो है आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, इसमें जो सी की वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है ये आप कहीं और पर प्रोग्राम के अंदर या किसी और प्रोग्राम में यूज़ नहीं करेंगे, ये मेन फंक्शन आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा।
और इसी तरह से ये ब्रैकेट के अंदर वॉइड का मतलब क्या है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर वॉइड का मतलब क्या है कि ये मेन फंक्शन का कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, आप इसको कोई इनपुट नहीं दे रहे। इसका मतलब है कि ये मेन फंक्शन आपको प्रोसेस करने के बाद कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और इसका मतलब क्या है कि ये मेन फंक्शन को आप कोई भी इनपुट नहीं दे रहे, ठीक है, कोई भी इनपुट नहीं दे रहे। इसको आप लोग जब प्रैक्टिकली करेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर आपके सिलेबस के मुताबिक ना तो हम एक जो मेन का फंक्शन है उसमें उसको हम वॉइड भी यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला वॉइड भी यूज़ नहीं करेंगे, मीन्स कि हम कोई फंक्शन के ज़रिए से कोई वैल्यू इनपुट भी नहीं करेंगे और इस मेन फंक्शन के ज़रिए से किसी और कोई वैल्यू इनपुट भी नहीं करेंगे और ये जो है मेन फंक्शन किसी को कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं करेगा, ठीक है। हमने बात की थी कि जब हम मेन फंक्शन बनाएंगे तो उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट होगी, आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो मैंने यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स जो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने हैं उनको डिक्लेयर किया है। ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है और सी एक वेरिएबल है। ये इंटीजर का मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल हैं ये इनके अंदर जो है वो डेसिमल वैल्यूज़ आनी है, ठीक है, और इसके लिए हमें इंटीजर का शॉर्ट इनिट यूज़ करते हैं कि ये वेरिएबल हमारे इनिट टाइप के हैं और इनके अंदर जो है वो नंबर्स आने हैं, राइट। तो हमने इसके बाद इन वेरिएबल्स को वैल्यूज़ दे दी, ए को हमने 5 वैल्यू दे दी, बी को हमने 10 वैल्यू दे दी, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, तो ये सारा का सारा यहाँ पर क्या है, बॉडी ऑफ द लूप, ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन राइट, ये बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है आपकी। तो ये सारा आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया, इस मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया, राइट। तो आप लोगों ने देख लेना है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन जो है उसके अंदर क्या क्या है। उसके अंदर हमने देखा कि बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट से ओपन हो रहा है और क्लोजिंग ब्रैकेट से क्लोज हो रहा है, राइट। और इसके इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर प्रिंट एफ का फंक्शन भी यूज़ किया है और हर स्टेटमेंट के एंड पर हमने सेमी कॉलन यूज़ किया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो रही है, ये यहाँ पर एंड हो रही है, इसका मतलब ही इसको हम बोलते ही क्या है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, इसको हम लोग, किसी को याद हो क्या बोलते हैं इसको, हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर ये एंड हो गई है। इसी तरह से ये स्टेटमेंट यहाँ से शुरू प्रिंट ऑफ से शुरू कर रहे हैं और यहाँ तक ये एंड हो गई है, राइट। तो ये प्रोग्राम बेसिकली क्या करता है, आपने वेरिएबल्स को वैल्यूज़ दी, इसने यहाँ पर इनको एड अप किया और यहाँ पर प्रिंट ऑफ फंक्शन के ज़रिए से हमने द सम इज़ आपका बेसिकली क्या लिखा आएगा, इस सारे प्रोग्राम को रन करने के बाद कंपाइल होने के बाद क्या लिखा आएगा, सिर्फ आपके आउटपुट स्क्रीन पर सिर्फ लिखा आएगा द सम इज इक्वल टू 15। सिर्फ और सिर्फ ये लाइन आपको एज एन आउटपुट जो है वो मिलेगी, आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा जी, तो आप लोगों को जब आप लोग प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करने के बाद ये सारा प्रोग्राम सिर्फ क्या शो कर रहा है, ये सारा प्रोग्राम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आउटपुट का शो करेगा, द सम इज़ इक्वल टू 15, सिर्फ और सिर्फ ये शो करेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया है कि जब आपके सी का जो एक प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। यह हमने यहाँ पर तफसील से इसको डिस्कस किया है, ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर क्या है सी का, कि सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आएंगे, फिर आपका मेन फंक्शन, फिर इसकी ओपनिंग ब्रैकेट और यहाँ पर आपने वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, फिर आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है, प्री क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इसको हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के ज़रिए से, यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम के ज़रिए से अंडरस्टैंड भी कर लिया है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मीन्स के हमने किस तरह से लिखने हैं, मेन का फंक्शन हमने किस तरह से लिखना है, वेरिएबल्स इस तरह से डिक्लेयर होते हैं
आगे से स्टेटमेंट्स ऐसे लिखते हैं, राइट। तो ये आपका एक सी प्रोग्राम यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक सी प्रोग्राम, जो कि दो नंबर्स को जो आपने प्रोग्राम के अंदर ही दिए हैं उनको ऐड अप करके रिजल्ट्स को शो करता है। और सिर्फ ये आपकी स्क्रीन पर जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ ये आपको आंसर इसका मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये वाली बात या ये वाला जो टॉपिक है कि स्ट्रक्चर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं और फिर मेन फंक्शन क्या होता है, क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया। अगर आप लोगों को फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।